मैंने आपसे धारा 370 की बात की शुरुआत में, आप भी मुख्यमंत्री रहे, इसमें मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ वाल्मीकि लोगों से, जिनको 1957 में यहाँ पर लाया गया पंजाब से, उनको आपके यहाँ पर टॉयलेट साफ करने के लिए, उनको कोई यहाँ पर डोमिसाइल के राइट्स नहीं हैं, असेंबली में वो वोट नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे जो पढ़ लिख गए वो यहाँ नौकरी नहीं पाते हैं, उनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, उनके बारे में आपने कभी कोई बड़ा फैसला नहीं किया, कम से कम उनको तो इससे राहत मिलेगी, ये मानते हैं आप? उनको देखिए, उनको राहत मिलेगी टेम्प्ररी, उनको इसका फ़ायदा मिला बिल्कुल, लेकिन उनको राहत मिलने दिलाने के लिए बाकियों का बेड़ा गर्क करना क्या ज़रूरी था? क्या हमारे हमारे जो हकूक़ थे, क्या हमारे हकूक़ रह नहीं सकते थे उनको हक देने के लिए? पर कोई और, कोई मिडिल रास्ता आपको नहीं मिला? आपका क्या हक छीना जा रहा है इसमें? सारे हक छीने गए ना 370 के तहत, जो जम्मू कश्मीर के हकूक़ थे वो सारे छीने गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।